कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। और आज जब मैं यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। भाई बहनों, बीजेपी कर्नाटक को देश का नंबर वन, देश का नंबर वन, नंबर वन राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं प्रभु हनुमान जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर इस संकल्प की सिद्धि की कामना करता हूं। कल ही कर्नाटक बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र कर्नाटक में विरासत और विकास के साझा सूत्र पर बल देने वाला है। बीजेपी कर्नाटक के मान मर्यादा, कर्नाटक की संस्कृति पर कोई भी आंच नहीं आने देगी। बीजेपी कर्नाटक के विकास के लिए यहां के लोगों को आधुनिक सुविधा देने के लिए, नए जवानों को नए अवसर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।